तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखो। अगर इस वाले क्वेश्चन को देखोगे तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक इंजन है जो कि कांस्टेंट पावर ड्रॉ करता है, ठीक है, अगेंस्ट ए लोड लोड ऑफ मास एम और रजिस्टिव फोर्स आर। मतलब अगर कोई गाड़ी है, देखो चल रही है, तो ये पावर तो इसका कांस्टेंट है, लेकिन इस पे एक अलग से रजिस्टिव फोर्स लग रहा है। अगर ये गाड़ी इधर जा रही है, इसकी वेलोसिटी भी है, तो रजिस्टिव जो फोर्स है वो इधर लग रहा है और उसकी वैल्यू यहाँ आर है, और उसके बाद भी इस पे का जो पावर है वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो पावर अगर कांस्टेंट है तो ये कह रहा है, पहला इक्वेशन तो पहला पार्ट तो ये हो गया क्वेश्चन का। उसके बाद एक आता है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द लोड, मतलब लोड की स्पीड निकालो व्हेन टाइम टेकन टू हाफ ऑफ दिस स्पीड। पहला पार्ट पहले समझो, फाइंड द स्पीड ऑफ द लोड, मतलब फाइंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ लोड, मतलब लोड की जो है मैक्सिमम स्पीड निकालो। एंड मतलब ये पहला पार्ट है, क्या निकालना है, मैक्सिमम स्पीड, और दूसरा टाइम टेकन टू अटेंड मैक्सिमम स्पीड, मतलब मैक्सिमम स्पीड अटेंड होने के लिए कितना टाइम लगेगा, वो वाली चीज़। तो पहले मैक्सिमम स्पीड निकालते हैं, पार्ट फर्स्ट सॉल्व करते हैं। तो पार्ट फर्स्ट में अगर तुम देखोगे तो जो जिस पावर की बात हो रही है, तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, एफ डॉट वी होता है, ठीक है ना। पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी, तो एफ यहाँ आर और डॉट वी, ठीक है ना। हम मैग्नीट्यूड में काम कर रहे हैं तो यहाँ से आर भी ले लो, तो ये जो वी है वो आ जाएगा पी अपॉन आर, ठीक है ना, क्योंकि रजिस्टिव फोर्स कांस्टेंट है और पावर कांस्टेंट है। तो ये क्या है, यही अपना मैक्सिमम स्पीड है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम स्पीड भी पी अपन आर, ठीक है, मतलब ये मतलब पी अपन आर, मतलब ये ए ऑप्शन ही सही है, ये कभी सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। अब ये कहता है टाइम टेकन टू अटेंड हाफ ऑफ दिस स्पीड, मतलब इस स्पीड का मुझे आधा अटेंड करने में कितना समय लगेगा वो हमें निकालना है। तो यहाँ से तुम देखो जो फोर्स होता है, उसको इसकी वैल्यू होती है एम में, और यहाँ से एम और फोर्स की जो वैल्यू होती है, यहाँ से तुम देख रहे हो फोर्स की वैल्यू, यहाँ से एम ए को लिख सकते हो डी वी ओवर डी टी, ठीक है ना। तो यहाँ से जो फोर्स है वो, यहाँ से तुम अगर फोर्स निकालोगे, फोर्स जो कि रजिस्टिव फोर्स आर की जो वैल्यू आ जाएगी वो पी वाई वी आ जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ से तुम देखोगे, यहाँ से इधर में एम डी वी ओवर डी टी, और यहाँ से जो एफ की वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ पी वाई वी, यहाँ से आ जाएगी, ठीक है। तो अगर पी वाई वी यहाँ से आ जाएगी, तो फर्दर अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो देखो मुझे क्या मिलता है, एक मिनट बच्चों। तो यहाँ से हमें टाइम निकालना है, तो यहाँ से आ जाएगा वी डी वी, इधर आ जाएगा, और इधर आ जाएगा पी अपान एम, और यहाँ से डी टी, ठीक है, पी अपान एम, यहाँ डी टी, और ये। तो जब समय ज़ीरो है यहाँ से, तो समय ज़ीरो है तो वेलोसिटी ज़ीरो रही होगी मान लेते हैं, और ये समय टी जब वेलोसिटी मैक्सिमम की आधी हुई, तो जब इसको तुम यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा वी स्क्वायर बाई टू इसका इंटीग्रेशन, और यहाँ से लिमिट जाएगा वी बाई टू, यहाँ से आ जाएगा ज़ीरो, और इधर जाएगा पी एम और टाइम टी। तो अगर मैं टाइम टी यहाँ से चाहिए, तो यहाँ से अगर इधर आ जाओ सॉल्व करते हैं, तो 1/2 इधर आ गया, और इधर आ जाएगा वी का स्क्वायर, मतलब वी स्क्वायर बाई फोर इधर आ जाएगा, और इधर आ जाएगा पी अपान एम टी, मतलब ये आ जाएगा 1/8, और वी स्क्वायर यहाँ से एम को इधर ले लो और 8/P दैट इज टी। लेकिन जो सोल्यूशन है वो भी के टर्म में नहीं है, पी आर के टर्म है, तो भी की वैल्यू डाल दो पी वाई आर, तो जो टाइम आ जाएगा भी की वैल्यू डालोगे तो एम अपन यहाँ से 8P, और भी की वैल्यू यहाँ से डालोगे तो पी स्क्वायर अपन यहाँ से आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये वाली जो चीज़ है, ये अब देखो यहाँ से एक पी ने एक पी को यहाँ से ख़त्म कर दिया, तो एम पी अपन 8R² इज़ द फाइनल सॉल्यूशन। तो एम पी अपन, यहाँ से देखो एम पी अपन 8R², मतलब कुल मिला के अपना ए ऑप्शन मैच कर जाता है। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।